नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। आगरा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने सांसद साक्षी महाराज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामचरित मानस साक्षात भगवान राम का स्वरूप है और उन्होंने ये भी कहा कि हम रामचरित मानस की होली जलाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अखिलेश को मैं प्यार करता हूँ, पढ़ा लिखा बालक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कुछ लोग जैसे आजम खान, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग पानी फेर देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, आजम खान हो गए, कुछ ऐसे लोग अखिलेश यादव की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो ये तो निर्णय अखिलेश यादव को करना है कि राम का विरोध करने के बाद समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हुआ। अब रामचरितमानस में अगर आग लगाई जाएगी होली पर तो देश में और प्रदेश में उसके परिणाम क्या होंगे। वो पढ़े लिखे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में रखना है कि नहीं रखना है उनके विवेक पर निर्भर करता है। मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता। यद्यपि उनके पिताश्री ये कह के गए थे कि साक्षी महाराज की सलाह की कभी अनदेखी मत करना। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झांसी में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने खजूर बाग के नाले का निर्माण बरसात के पहले ना होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने खजूर बाग, मेहंदी बाग और इंद्रपुरी कॉलोनी में बरसात में होने वाले जलभराव से परेशान होकर मकान बेचने का नोटिस अपने घरों पर चस्पा करने वाले नाराज लोगों की समस्या के निराकरण के लिए नगर निगम के नगर आयुक्त और अधिशासी अभियंता से वार्ता कर समस्या की गंभीरता से अवगत कराते हुए बरसात के पूर्व समस्या का समाधान न होने पर व्यापक स्तर जन आंदोलन किया जाएगा, ऐसा कहा है। झांसी के हैं और झांसी जब अंग्रेज आना चाहते थे तो रानी ने तलवार खींच के कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो आज हम अपने घर क्यों दें, हम क्यों बेचें? जिन घरों को खून पसीने की मेहनत की कमाई से यहाँ के लोगों ने बनाया है उनको हम किसी भी हाल में इस कारण से बिकने नहीं देंगे। नेवालकर रानी लक्ष्मीबाई के वंशज है, उनके खानदान की बहू है। हम सब बहुत परेशान रहे पानी की वजह से। एक तो हमें थोड़ी किडनी की भी समस्या है, हमारे पति भी थोड़े पैरों से चल नहीं पाते, दो तीन बार गिर चुके, इसलिए हमने और हमारा बहुत नुकसान हुआ है। खबर झांसी से है जहां परीक्षा पावर प्लांट के अंदर इसको लेकर भंडारा से एक ऐसी चमकीली धातु बरामद हुई है जिसने परीक्षा पावर प्लांट प्रशासन से लेकर झांसी जिला प्रशासन और पुलिस महकमे असहज की स्थिति बना दी है। कॉलेज की सफाई के दौरान मजदूरों को एक ऐसी चमकीली धातु मिली जिसको लेकर मजदूरों में सुधार तो हुआ ही और हीरा बताया गया है। बताते चले कि इसको लेकर भंडारण से चमकीली धातु के हीरा होने की चर्चा जैसे ही परीक्षा पावर प्लांट प्रशासन के अफसरों तक पहुंची, तत्काल अफसरों ने ही इस मामले में कोयले के भंडार से बरामद चमकीली धातु को अपने कब्जे में ले लिया और इस दौरान ही बरामद धातु के परीक्षण के लिए ही प्लांट के अफसरों ने प्लांट के ही एक अधिकारी को देखकर उसका परीक्षण कराने को भी कहा गया है। वहाँ के जो केमिस्ट है वो चूंकि दूसरी इकाई में ओवरहॉलिंग में चल रही थी, उसमें ऑयल टेस्टिंग का काम चल रहा था, उसमें बिजी थे। उन्होंने कहा भी हम खाली नहीं है, बाद में आप दीजिएगा। तो उसको लगा कि अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रखेंगे तो ये लोग लेके जा सकते हैं। तो उसने किसी को बताया नहीं, यहाँ पर उसने किसी को परियोजना में बताया नहीं, ना अपने वहाँ के अधिकारियों को ना उच्च अधिकारियों को, और वो रख के अपना घर पे ले आया। जब घर में आ गया तो और लोगों को पता चला, उसमें हमारे परियोजना के एक अधिकारी भी थे, किसी ने बताया होगा प्राइवेट आदमी ने, वो घर पर ले आए रात में 11 बजे। उसके घर पर जाके लोगों ने ये कह के कि जैसा बताया गया है QCI के जो है साइट इंचार्ज के द्वारा कि उन्होंने कहा कि हम विजिलेंस से आए हैं और मुझे ये दे दीजिए, और उससे सब पूरा वो लेके चले गए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में मौजूद रुस्तम
स्लॉटर हाउस में ही हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रुस्तम स्लॉटर हाउस में टैंक सफाई करने के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। स्लॉटर हाउस में टैंक सफाई करने के दौरान दो श्रमिकों की दम घुटने से मौत हो गई है। और बताते चले कि स्लॉटर फैक्ट्री प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के चलते दो श्रमिकों की मौत हुई है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन के बिना किसी सेफ्टी के दोनों कर्मचारियों को टैंक में उतार दिया गया था, जिसके बाद यह हादसा हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दही थाना प्रभारी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। काशगंज पुलिस अधीक्षक सौरव दीक्षित द्वारा ही कोतवाली गंज डुंडवारा का औचक निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान ही पुलिस अधीक्षक ने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया है और आने वाले आगंतुक रजिस्टर को चेक किया और इसी के साथ कार्यालय में दस्तावेजों के रखरखाव और मेस की स्वच्छता गुणवत्ता बारीकी से साफ सफाई और मलखाना का ही निरीक्षण किया गया है और इसके संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी दौरान पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा ही बंदीगृह की साफ सफाई और सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया और इस दौरान सीओ पटियाली आरके तिवारी कोटवारी प्रभारी निरीक्षक हरिभान और इसके साथ ही आपको बता दें कि राठौर सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताते चले कि तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी और जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई है और गंभीर रूप से दो युवक घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जिसके बाद उन्हें हाई सेंटर रेफर किया गया है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। संभल में मारपिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। रोड पर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो चंदोसी कोतवाली के गौशाला रोड का बताया जा रहा है, जहां एक युवक और एक बाइक सवार पुरुष के बीच जमकर मारपीट हुई है और मारपीट के दौरान बाइक समेत एक मासूम की भी जमीन पर गिर गया और इस दौरान जमकर ही गाली गलौच की गई है और धमकीबाजी भी दी गई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है और के साथ ही आपको बता दें कि चंदोसी कोतवाल ने बताया है कि एक पक्ष की ओर से मारपीट की गई है, केस दर्ज कर लिया गया है। यूपी के फतेहपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से ही बाउंड्री कराकर कब्जा करने का आरोप सपा नेता पर लगाते हुए ग्रामीणों ने डीएम के नाम अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है और जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम के नाम अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि बिंदकी तहसील के अकबरपुर क्षेत्र के गढ़ी लाहौरी में मौजूद कब्रिस्तान की जमीन संख्या 335 में कई सालों से शव दफन किया जा रहा है और आने वाले समय में ही बारात के लिए अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान को सही कराने पहुंचे तो सपा नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर कब्रिस्तान के खंभे को उखाड़ कर फेंक दिया और उस जमीन पर बाउंड्री वॉल करा दिया, जिसकी शिकायत एसडीएम को से लेकर ही सीएम तक करने की बात की भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएम को एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं और हमारी कब्रिस्तानों में आवाज़ कब्जा किए जा रहे हैं, रातों रात कब्जा करे जा रहे हैं, लेकिन मना करने के बावजूद भी पूरी बाउंड्री करी गई है। हम आप इन लोग से वो चाहते हैं कि हमारे दूसरे लेखपाल भेज के हमारी नाप कराई जाए। कब्रिस्तान की वजह से न्याय चाहिए हमको, जहां हमारी कब्रिस्तान है वहां हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो तो बुजुर्गों से चला रहा है कब्रिस्तान और कब्रिस्तान है कब्रिस्तान रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर पप्पू शाह है हमारे यहाँ का, जिसके ऊपर संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज है विभिन्न थाना क्षेत्रों में और अवैध कब्जों का इसका धंधा चल रहा है।
पूरी घटना बदायूं जिले के शरीफ नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भक्ता नगला की है, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गई और मामूली विवाद को लेकर जमकर फायरिंग हो गई, जिसमें 7 लोगों को गोलियां लगी हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष जब खेत में काम कर रहे थे, तभी दोनों पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई और कहासुनी के चलते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर फायरिंग शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया है कि दोनों पक्ष यादव है और प्रधानी चुनाव से ही इन दोनों की आपसी रंजिश थी। एक पक्ष वर्तमान प्रधान का है और दूसरा पक्ष पूर्व प्रधान का है। वहीं 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करा दिया गया है। वहीं मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे खाद भर रहा था, दोनों ने किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। 6 लोगों को यहाँ से अस्पताल जनपद भेजा गया था, जहाँ पे डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित किया गया है। शेष लोगों का इलाज चल रहा है। रायबरेली महाराजगंज अपनी प्रेमिका से मिलने आए लापता युवक का शव गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने प्रेमिका समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। मामला आपको बता दें कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव ठाकुरपुर का है और सोमवार को गाँव पहुंची लखनऊ पुलिस ने गाँव के छेदूपासी के घर से ही एक बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया था। बताया जाता है कि बाइक और मोबाइल फोन बाराबंकी जनपद के थाना हैदरगढ़ के गांव खेरवा मजरे सराय निवासी भगवान दास उर्फ बबलू का है, जो पिछले दिनों 8 फरवरी से ही संदिग्ध अवस्था में लापता था और सूत्रों के अनुसार गांव के ही शादीशुदा प्रेमिका से ही उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव आया था और जब से वो लापता था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लापता युवक भगवान दास उर्फ बबलू हरकरण का पड़ोसी था और ये लखनऊ नगर निगम में कर्मचारी था, जिसका शव शारदा सहायक नहर जौनपुर ब्रांच में कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया गया है। इस बात को लेकर के पुलिस का शक बढ़ा और भी छानबीन की गई और लड़की के घर वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया और ये बताया कि उनके द्वारा उस व्यक्ति की हत्या करके उसको बुलाया गया था और 14 तारीख की जब रात में आया तो उसकी हत्या करके उन्होंने उसके शव को पास के रजवाहे में बहा लिया। इस सूचना पर पुलिस ने फिर शव की तलाश की और अल्टीमेटली अमेठी में रजवाहे से उस शव को भी रिकवर कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ में घटना का खुलासा कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।